वेल फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको सिखाने वाली है अब तक की मोस्ट एडवांस्ड, उन्नत, उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट अंतरिक्ष दूरदर्शी यानी कि स्पेस टेलीस्कोप JWST के बारे में। JWST का पूरा नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप होता है। हब्बल अंतरिक्ष दूरदर्शी या फिर कह लीजिए कि हब्बल स्पेस टेलीस्कोप या फिर HST, शॉर्ट में क्या कहेंगे, HST, जिसे सुप्रतिष्ठित, सुपरिचित दूरदर्शी के नाम से शायद ही कोई वंचित होगा, लेकिन JWST भी अपने आप को HST के सक्सेसर या फिर कह लीजिए उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित करने में सफलता पाई है। आधुनिक पीढ़ी के सबसे एडवांस्ड टेलीस्कोप में शामिल JWST विश्व की सबसे बड़ी इंफ्रारेड आधारित टेलीस्कोप है, जो कि इसे लॉन्गर वेवलेंथ कवरेज के लिए सक्षम बनाती है। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA जैसी संस्थाओं ने मिलकर के इस JWST का निर्माण किया है। आइए इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं। सन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित पृथ्वी के सतह से मात्र 570 किलोमीटर दूर स्थित पृथ्वी के ही ऑर्बिट में, यानी कि ये पृथ्वी का ही चक्कर लगाएगा, यहाँ पर HST यानी कि हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी को स्थापित किया गया है, ठीक है। लेकिन यहां से पृथ्वी की सतह से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर, किधर, तो सन की अपोजिट डायरेक्शन में 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर यानी कि 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित L2 पाथ पर, जिसे हम लोग सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, इस पाथ पर JWST को स्थापित किया गया, इसे लॉन्च करके भेजा गया और तब से ये इस पाथ पर चक्कर लगा रहे हैं। ये JWST से जुड़े हुए, प्रक्षेपण से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को हम लोग जानते हैं। किस देश से इसे लॉन्च किया गया था, तो फ्रेंच गुयाना, जो कि कहां पर पड़ता है, तो साउथ अमेरिका का एक देश है फ्रेंच गुयाना, वहां से इसे लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो Ariane 5 नामक रॉकेट। ये कब लॉन्च किया गया था, तो 25 दिसंबर 2021 को सुबह 7:20 पर। आइए जानते हैं जब ये लॉन्च किया जा रहा था उस समय इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में। तब उस समय इसका वजन 6200 किलोग्राम यानी कि 62 क्विंटल इसका वजन था। इसमें लगे हुए एक मामूली प्राइमरी जो आईना था, दर्पण था, मिरर था, उसका वजन 507 किलोग्राम था। इसे 5 से 10 साल के मिशन पर भेजा गया है, यानी कि ये अगले 5 से 10 साल तक के लिए अंतरिक्ष में रहने वाले हैं। इसके बारे में बात करते हैं, ये इसका रेंज कितना है, ये कितना दूरी को कवर करता है, यानी कि इसका कवरेज एरिया कितना है, वो मोबाइल वाला नहीं, इसका कवरेज एरिया कितना है, तो इसका कवरेज एरिया है 13.6 बिलियन लाइट ईयर। मतलब क्या हुआ कि यदि इतना दूरी की सोचिए, अगर लाइट को भेजेंगे ना, तो जाने में 13.6 अरब साल लग जाएगा, वो भी लाइट को, इतना दूर तक इसका कवरेज एरिया है भाई। अगर बात करना होता तो कहीं से कहीं पर बात किया जा सकता था, है ना, ये कांटेक्ट कर लेगा, है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं क्या मून, यहां पर लिखा हूं मैं ये मल्टीप्लिकेशन और 4, इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के सतह से जितना दूरी पर चंद्रमा स्थित है ना, उससे 4 गुना दूरी पर, वो भी सन के अपोजिट डायरेक्शन में, L2 पाथ है, और इसी L2 पाथ पर JWST ट्रेवल करेगी, रिवॉल्व करेगी, किसके अराउंड, तो सन के अराउंड भी और अर्थ के अराउंड भी, ठीक है। अब समझते हैं क्या कि ये JWST को अंतरिक्ष में भेजा किस लिए गया भैया, इसके पीछे का वजह क्या था, तो इसको समझते हैं। इसके पीछे का कुछ वजह था, सबसे पहले क्या कि जब ये बिग बैंग हुआ था, यानी कि ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, तो सबसे पहला जो गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा बना था, वो कैसे बना था, उस चीज को जानने के लिए। दूसरा, उस गैलेक्सी के बाद और सारे जो आकाशगंगा का निर्माण हुआ, किस प्रकार से इवॉल्व हुआ, किस प्रकार से उसका इवोल्यूशन हुआ, ये चीज जानने के लिए। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ स्टार एंड प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि मतलब क्या हुआ इसका कि जितने तारे है या फिर ग्रह है, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, ये बात जानने के लिए। चौथा चीज क्या, अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में सुदूर स्थित जो ब्रह्मांडीय पिंड है, उसका निर्माण कैसे हुआ, है ना, जो कि पृथ्वी पर स्थित कोई भी वेधशाला या फिर ये जो HST है यानी कि ये हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी की पहुंच से बाहर है, ऐसे आकाशीय पिंडों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का काम किसका है, तो ये JWST का। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ना लाइक करें, ना कमेंट करें, ना सब्सक्राइब करें, बल्कि शेयर करें, है ना, शेयर कीजिए, बस इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।